ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे है। मीठे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज डेट है 23 मार्च 1988। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिल रुबा बच्चों की निशानियां। आज दिलाराम बाप अपने दिल रुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिल रुबा अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं, ऐसे दिल रुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत, जगत जीत है ही। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं, तो जीतना अर्थात तख्त नसीन बनना। ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं, वह स्वतः ही सदा तख्त नसीन रहते हैं। उनकी दिल में सदा बाप है और बाप के दिल में सदा ऐसा ही विजयी बच्चा है। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप के और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। सदा एक ही गीत बजता है, मेरा बाबा और मैं बाप का। कौन सा गीत बजता है? मेरा बाबा मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिल रुबा। बाप दादा हर एक दिल रुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते हैं। कि भिन्न भिन्न साज है या एक ही साज है? हर एक बच्चे का भिन्न भिन्न साज है या एक है? कभी कोई अपनी कमजोरी के गीत गाते हैं बाबा के सामने, कभी बाप के बजाय अपने ही गीत गाने लगते हैं। बाप की महिमा के साथ साथ अपनी ही महिमा करते रहते हैं। बाप में आप हैं अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा समाई हुई है। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। बाबा के गीत गाना, बाबा के गुणों की महिमा करना, यही यथार्थ साज है। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। निशानी क्या है? जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में बाप ही दिखाई देगा। चाहे मुख उसका हो, कोई भी व्यक्ति है उसका मुख हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि यह बोल आत्मा की है नहीं, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान के बोल है। इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम हैं। यह साधारण व्यक्ति नहीं लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसे अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। वाणी से अनुभव कराना यह साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक है, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है, आपका बोल बाप की याद दिलाए। बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सद्गति की राह दिखाए। यह न्यारापन है। दुनिया वाले भी लेक्चर्स देते हैं और हमारा भी होता है, लेकिन